अच्छा मल्टी कुकर से आप क्या समझते हैं? मल्टी कुकर यानी कि स्टीमर, योगर्ट मेकर, राइस कुकर, प्रेशर कुकर, स्टरलाइजर, ये सब चीजें आपको अलग से किचन में रखने की जरूरत नहीं है। मल्टी कुकर ये सारे काम करेगा। अभी कौन सा मल्टी कुकर लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का आपके बजट में फिट पड़ता है या नहीं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गीता एंड यू आर हियर ऑन माय चैनल गीता रेसिपीज। तो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी इंस्टेंट पॉट ट्यूब की, जिसके जो फंक्शंस है ना वो सुपर्ब है। मतलब कोई भी फंक्शन जो है आपकी कुकिंग के रिलेटेड किचन में, उसमें छूटा नहीं है। कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए और कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है, क्रेडिबल फंक्शन है अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए इसका खुलदा सिम करके हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर इसकी सारी जो डिटेल है, इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बता दूंगी। तो अनबॉक्स इसको मैंने करके सबसे पहले इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जैसे कि एक इसका यूज़र मैनुअल है, उसके अंदर जितने भी इसके इंस्ट्रक्शंस है कैसे यूज़ करना है, सब आपको इसमें मिलेगा। लेकिन क्या रहता है कि वीडियो में अगर आप जैसे मेरा रिव्यू देख रहे हो तो आपको बेटर पता चल जाएगा। इसके साथ एक रेसिपी बुकलेट मिली है, जो मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है किसी काम की हो जाए, आप रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। दो इसके साथ स्पैचुलस मिले हैं, एक प्लास्टिक का कप और ये है एक स्टैंड जो कि बहुत काम आता है। आगे जाके इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कैसे काम आता है। एक स्टील का इसके अंदर कंटेनर है जिसमें हम कुकिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अभी वो क्या है भाई, कंपनी जब आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे स्पेशली प्रेशर कुकर या फिर ये मल्टी कुकर हो गया, तो उसको वॉश कैसे करना है सबसे पहले, क्योंकि वो वॉश करके तो नहीं देते हैं ना। सबसे पहले स्टील का कंटेनर वॉश कर लेंगे अच्छे से, अंदर से भी इसको क्लीन कर लीजिए। तो अभी क्या करना है, जो इसके लिड के ऊपर फ्लोट वेल्व लगा रहता है उसको अंदर और बाहर से हम ओपन कर लेंगे। अभी ओपन कैसे करना है सब चीज़ों को वीडियो में मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। इसको वॉश करके टॉवल के साथ क्लीन करके इसको फिर से हमने बंद कर लेना है। ये एवरी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे दो तीन बार आपने कुकिंग कर ली ना, उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अभी जो सीलिंग रिंग है, ये इसके साथ दो प्रोवाइड होती है, कंपनी दो प्रोवाइड करती है, एक जो ट्रांसपेरेंट इसके साथ लगा रहता है और एक रहती है रेड कलर की जो हमें एक्स्ट्रा से मिलती है। तो इसको भी हमने अच्छे से, आप चाहे तो गर्म पानी में इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन की बनी रहती है, जब कंपनी इसको बनाती है तो वो भी अच्छे से वॉश नहीं करके देते, तो उसको वॉश कर ले। जो एंटी ब्लॉक शील्ड लगा रहता है इसमें, इसका पर्पज़ क्या है कि इसमें कोई भी फूड जो है, दानेदार फूड होता है, कोई भी इसमें ब्लॉक नहीं होता है, तो ये शील्ड दी रखी रहती है, इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कुकर को अच्छे से स्टीम करेंगे। कुकिंग करने से पहले इसमें एक मैंने मग पानी का डाल दिया है, और उससे पहले क्या करना है, प्रेशर कुक करने से पहले एक कप मैंने पीछे लगाया, जो आपको मैंने दिखाया कि वो क्या करेगा, जो स्टीम के थ्रू पानी गिरता है ना, ड्रॉप ड्रॉप गिरते हैं, उसमें इकट्ठे होते रहते हैं, इसको हम स्टीम कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लास या फिर बॉटल्स, मिल्क बॉटल रख के भी क्लीन कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो, लेकिन स्टीम इसको ज़रूर करना कुकिंग करने से पहले। तो चलिए इसके कुछ मज़ेदार फंक्शन। सबसे पहले ये सूप आपने अगर बनाना है तो इसका क्या अंदर लेस, हाई और मीडियम टेम्परेचर या फिर टाइमिंग इसकी दी रखी रहती है, आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुक करना है, प्रेशर कुक को डिले करना है, जैसे सुबह मॉर्निंग में आपने उठ के खाना बनाना है 5:30, लेकिन उठने का मन नहीं है, आप कैसे अलार्म लगा के कुकर को रात को सेट कर सकते हैं, सुबह अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कीप वार्म का फंक्शन दिया गया रहता है इसमें, 10 सेकंड से लेकर आप जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हैं, आप जो फूड है उसको कुक करने से लेकर सर्व करने तक वार्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन है जिसके साथ आप दाल, चावल, कोई भी रेसिपी, आप किसी भी तरह की सब्जी अच्छे से बना के उसको कीप वार्म कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये कुकर है ना, वो दूसरे कुकर से 2 गुना ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। अभी रिप्लेसमेंट्स क्या दी गई रहती है, मतलब आपको अलग से राइस कुकर रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टीमर रखने की ज़रूरत नहीं है, स्लोअर कुकर, फूड वार्मर, प्रेशर कुकर,
ये सब चीज़ें सॉटे पैन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन आपको जो योगर्ट मेकर है वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि डिशवॉशर सेफ है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है डिशवॉशर सेफ है। आप इसकी जो सीलिंग है, रबड़ रहती है, वो भी अच्छे से इसके इसको डिशवॉशर में यूज़ कर सकते हैं। भी हैं पास्ता, राइस, स्टीम, आप कुछ भी बना सकते हैं, योगर्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें आपको स्टरलाइज़र यूज़ कैसे करते हैं, इसका फंक्शन जो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जैसे हमने बच्चों की बॉटल्स रहती है वो स्टरलाइज करनी है, या फिर कोई किसी और कैंस को स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज का जो फंक्शन है उसको प्रोग्राम करके उसका टाइमर सेट कर देना है जितने भी टाइम के लिए आपने यूज़ करना है, तो आप चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं। आपको स्टरलाइज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं है अलग से। स्टीमर रैक जो है वो कैसे यूज़ करना है। अच्छा, जब मैं स्टीमर रैक यूज़ करती हूँ ना, मैं डबल यूज़ करती हूँ। जैसे नीचे मैंने पोटैटो डाल दिए, फिर स्टीमर रैक रख के उसके ऊपर मैंने ब्रोकली डाल दी। या तो ब्रोकली को क्या करते हैं कि हम अकेला सीधा पानी में नहीं डालते हैं, रैक रख के उसके ऊपर डाल दीजिए। आप पोटैटो बॉईल कर सकते हैं इसमें, स्टीम कर सकते हैं आप इसमें, कैरेट स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं बेक्ड पोटैटो बनाने वाली हूँ। इसको स्टीम करके मैंने 400 डिग्री फारेनहाइट पे मैंने ओवन में 5 मिनट के लिए बेक किया है, और मेरे बन गए बेक्ड पोटैटो ईजीली। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रॉबेरी जैम घर पे इंस्टेंट पॉट में। मैंने यहाँ पे 4 कप स्ट्रॉबेरीज लिए, अच्छे से वॉश करके इसको मैंने कट कर लिया है, 2-2 पीसेस में कट किया है। इसको कुकर में डाल के इसके अंदर डालेंगे हम शुगर। 1.5 कप मैंने इसमें शुगर डाली है, पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है, बारीक चीनी होती है ना वही डाल देनी। 10 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है इसमें, और क्या करेंगे इसको हम प्रेशर कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। इसको कुक करें, फिर 15 मिनट के लिए ऐसे ही आप छोड़ दें, फिर इसको क्विक रिलीज़ कर देना है, मतलब कि इसकी जो हवा है वो हमने निकाल देनी है। तो अभी ये बना नहीं है जैम जो आप देख रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है, अलग से 3 टेबल स्पून हमने कॉर्न स्टार्च लेना है, 3 टेबल स्पून पानी लेना है, अच्छे से उसको डिजोल्व कर लेना है। फिर क्या करना है, इसको हमने डालना है स्ट्रॉबेरीज में जो हमने कुक की थी 1 मिनट के लिए। बस थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो इसको हम बंद कर देंगे। यू कैन एंजॉय योर स्ट्रॉबेरी जैम एट होम बाय योर ओन। तो अभी एक और बात बता दूं मैं, इसको वॉश कैसे करना है। जैसे ये स्टील का रहता है तो अंदर अगर स्क्रैच पड़ गए ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं नीचे जलनी स्टार्ट हो जाएगी, लगनी स्टार्ट हो जाए। सीधी सी बात है, जब आपने यूज़ किया तो गरम गरम ही बर्तन को वॉश कर लीजिए। कोई भी बर्तन है ना, गरम गरम बर्तन को आप यूज़ करके उसमें से खाना निकाल के वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश हो जाता है। फिर भी अगर आप में कभी कभी आलस आ जाता है, या फिर वॉश करने का नहीं मिल करता है, पहले होता है कि सर्व कर ले, खाना खा ले, तो क्या करना है, उसके अंदर पानी डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, तब भी जो जला हुआ खाना अंदर रहता है, जो नीचे लग जाता है, वो निकल जाता है। नहीं तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालिए, बेकिंग सोडा डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, कुकर को ऑन कीजिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम इसको जो बर्तन वॉश करने वाला सोप रहता है, तो बहुत ही अच्छे से ये वॉश हो जाएगा। देखिए है ना कमाल की चीज़, जितने भी काम है इसमें झट में हो जाते हैं। एक और मल्टी कुकर है न्यूट्री कुक का, मेरे चैनल पे जाके आप न्यूट्री कुक के रिव्यूज दे सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में उसकी अनबॉक्सिंग करके सारे फंक्शंस आपको दिखाए हैं। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके साथ कर सकते हैं, आपका जो बजट है उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा उसके साथ। जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सपोर्ट माई चैनल।